हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शोर। और अभी हम एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करने वाले हैं 11th क्लास से रिलेटेड, जिसमें हम इस बात का आंसर फाइंड करेंगे अगर हम एक इंक्लाइंड प्लेन ले लें इस तरीके से, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे से एक साथ हम एक रिंग को, एक सर्कुलर डिस्क को, एक सिलेंडर को और एक स्फेयर को रोल कराएं, तो उनमें से सबसे पहले नीचे कौन सी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ पहुंचेगी। अगर यहाँ से एक साथ रोल कराया जाता है उन सबको, तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा? और सबके मास जो है बराबर है कैपिटल एम, और रेडियस सबकी बराबर है कैपिटल आर। ओके, तो क्या क्या चीजें हमने रोल कराई हैं? सबसे पहले एक लिया है रिंग, रिंग के बाद हमने लिया है एक हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। ओके, हॉलो सिलेंडर के बाद हमने लिया है एक सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क। उसके बाद हमने लिया है एक सॉलिड सिलेंडर। ओके, सॉलिड सिलेंडर के बाद हमने लिया है एक स्फेयर। ओके, स्फेयर पहले लेते हैं हम एक सॉलिड, और एक इसके साथ में ले लेते हैं हॉलो स्फेयर। ओके, हॉलो स्फेयर। तो इन सभी के मास बराबर है, सभी के रेडियस बराबर है। ओके, तो इसको निकालने के लिए हमें एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हम इसका डेरिवेशन भी बता देंगे आपको, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आईआईटी में या नीट में कई बार पूछी जाती है, तो हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि ये कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगी इस इंक्लाइंड प्लेन से जब रोल होगी, तो उसका एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर आई क्या है, ये जो साइन थीटा है, थीटा तो बेसिकली इस एंगल, इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एम इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर इज इट्स रेडियस, एंड दिस जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो एक्सेलरेशन होगा, इनमें से जिस भी बॉडी का सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले रोल डाउन होके नीचे आएगी, और उसके बाद में हम इनको अरेंज कर सकते हैं किसका उससे कम होगा, फिर कम, फिर कम। तो इससे हम बता पाएंगे कि कौन सी ऑब्जेक्ट रोल होके सबसे पहले आती है और कौन सी ऑब्जेक्ट रोल होके सबसे बाद में आती है। यहाँ पर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडी। ओके, तो बेसिकली ये आई जो होता है, इसका जनरल जो वैल्यू होती है वो होती है एम के स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर वेयर के इज रेडियस ऑफ जायरेशन, ओके, तो इसकी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई की जगह पर रख दिया हमने एम के स्क्वायर अपॉन ये हो गया एम आर स्क्वायर। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगेन हमें बेसिकली केवल के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का रेशो देखना है अलग अलग बॉडीज के लिए, और इसमें पुट करना है, और इसको सॉल्व करेंगे और उससे हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। उन एक्सेलरेशन की कंपैरिजन करके हम ये बताएंगे कि इन बॉडीज में से एक साथ अगर हम रोल डाउन कराएं तो कौन सी बॉडी इस इंक्लाइंड प्लेन पर से सबसे नीचे पहले आएगी। तो लेट्स डू इट। सबसे पहले हम बॉडी देखते हैं रिंग। तो रिंग के लिए हम ये वैल्यू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो इसके लिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास एम आर स्क्वायर। ओके, एम आर स्क्वायर, इसको हम एम के स्क्वायर के इक्वल पुट कर सकते हैं, जहां पर के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू आई 1। तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, इस जगह पर। तो एक्सेलरेशन जो रिंग का आ जाएगा, वो रिंग का आ जाएगा हमारे पास जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, और इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 1। तो ये आ गया बेसिकली 1/2 जी साइन थीटा। ओके, तो ये हमारे पास रिंग का आ गया सबसे पहले। ओके,
अब क्योंकि रिंग का जो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हॉलो सिलेंडर के बराबर होता है। हॉलो सिलेंडर मतलब थिन शीट का हॉलो सिलेंडर, जिसकी जो थिकनेस है उसको हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। ओके, यानी कि इनर और आउटर डायमीटर, इनर और आउटर जो रेडियस है वो उनमें डिफरेंस नेग्लिजिबल है। तो अगर हम इसका ये बताते हैं कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर के बराबर है, तो उसके लिए भी k² / r² का सेम रेशो आएगा, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन ऑफ द हॉलो सिलेंडर होगा वो सेम आएगा। ओके, सो वी आर राइटिंग फॉर नंबर टू, बिकॉज हम किसके लिए लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं हॉलो सिलेंडर के लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए लिख रहे हैं। ओके, तो हॉलो सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगी, आई ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू आई ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। ओके, ये शॉर्ट में हमने लिख दिया है। तो इसके लिए भी k² / r² क्या हो जाएगा, 1। तो यहां पर भी a हॉलो सिलेंडर का सेम ही आ जाएगा, हॉलो सिलेंडर का क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ g sin थीटा ही आ जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए थर्ड इज वी हैव सर्कुलर डिस्क, तो सर्कुलर डिस्क के लिए हम k² / r² का रेशो निकालते हैं। अब किसका निकाल लें, सर्कुलर डिस्क का, सर्कुलर डिस्क। तो सर्कुलर डिस्क का आई हमारे पास होता है 1/2 m r² और इसको m k² के इक्वल आप पुट करोगे, m से m कैंसिल, यहां से हमारे पास k² / r² की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसको, इस वैल्यू को यहां पर पुट करिए तो एक्सेलरेशन आ जाएगा सर्कुलर डिस्क का। ओके, सर्कुलर डिस्क, तो सर्कुलर डिस्क का a की वैल्यू आ जाएगी g sin थीटा अपॉन 1 + 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास g sin थीटा अपॉन 3/2 और इसको सॉल्व करोगे तो ये 2/3 g sin थीटा हमारे पास आ जाएगा। यानी कि a ऑफ सर्कुलर डिस्क जो आ गया, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं सर्कुलर डिस्क, ओके, इज इक्वल्स टू आ गया 2/3 ऑफ g sin थीटा। ओके, अब देखिए जो सर्कुलर डिस्क होती है, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर के बराबर होता है, तो सॉलिड सिलेंडर का भी एक्सेलरेशन सेम ही आ जाएगा, बिकॉज नंबर फोर्थ हम निकालना है इसका सॉलिड सिलेंडर का। तो a इसके लिए लिख रहे हैं, बिकॉज I ऑफ सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क इज इक्वल्स टू I ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। सो इसका एक्सेलरेशन भी a ऑफ सॉलिड सिलेंडर विल बी इक्वल टू, विल बी इक्वल टू a ऑफ सर्कुलर डिस्क। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं सीधे सीधे हम लास्ट बॉडी यानी कि स्फेयर पे, सॉलिड स्फेयर एंड हॉलो स्फेयर की बात कर रहे हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये बेसिकली स्फेयर के लिए क्या वैल्यू आएगी। देखिए स्फेयर के लिए जो हमारे पास वैल्यू होती है, या इस फॉर्मूले को हम डिलीट कर देते हैं, ओके, यहाँ से हम इरेज कर देते हैं, जिससे हमें जो है स्पेस मिल जाए, और ये हो जाएगा 5। फिफ्थ बॉडी क्या हो जाएगी बेसिकली हमारे पास है सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए आई की वैल्यू होती है 2/5 m r². ओके, और इसको हम एम के स्क्वायर के इक्वल रख देंगे, m से m कैंसिल, तो यहां से k² / r² हमारे पास 2/5 आ जाएगा। इसको यहां पर पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा a ऑफ स्फीयर, और ये कैसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ओके, सॉलिड है हमारे पास। तो ये हो जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 + 2/5, ओके, सो इट विल बिकम g sin थीटा, और ये बन जाएगा 7/5 वैल्यू बन जाएगी, यानी कि ये 5/7 g sin थीटा हमारे पास बन जाएगा, यानी कि a ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में आते हैं हॉलो सिलेंडर पर, ओके, सो सिक्स्थ इज हॉलो सिलेंडर, यानी कि एक्सेलरेशन हम हॉलो सिलेंडर का निकाल रहे हैं, हॉलो सिलेंडर नहीं, सॉरी, हॉलो स्फीयर, ओके, हॉलो स्फीयर बचा था हमारे पास।
तो हॉलो स्क्वायर के लिए आई की वैल्यू जो होती है बेसिकली हमारे पास 2/3 एम आर स्क्वायर होती है। ओके, इसको एम के स्क्वायर के इक्वल रखोगे, एम से एम कैंसिल, तो यहाँ से के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2/3। इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेसिकली a इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 + 2/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास जी साइन थीटा अपॉन 5/3। ओके, 5/3, तो ये आ जाएगा 3/5 जी साइन थीटा। ओके, तो यहां से ये आ गया हमारे पास होलो स्फीयर का, होलो स्फीयर का, तो होलो स्फीयर का 3/5 जी साइन थीटा आ जाएगा बेसिकली। अब देखिए ये सारे के सारे हमने एक्सेलरेशन निकाल लिए, अब इनमें से ये जो वैल्यू है फ्रैक्शन में तो इस तरीके से हमको पता नहीं चलेगा, तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम इनको डिवाइड कर लेते हैं जिससे कि हम कंपैरिजन कर पाए। जब 1/2 करेंगे तो ये आएगा 0.5 जी साइन थीटा। ओके, 0.5 जी साइन थीटा, और बेसिकली जितना इसका आ रहा है हमारे पास हॉलो सिलेंडर का उतना ही रिंग का भी आएगा, यानी कि 0.5 जी साइन थीटा। ओके, अब देखिए इसका देखें, अगर हम 2/3, तो 2/3 का मतलब होता है 0.6, ओके, 0.66 जी साइन थीटा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू ज्यादा है, यानी कि अगर हम सर्कुलर डिस्क एंड रिंग या हॉलो सिलेंडर एंड ये सर्कुलर डिस्क या सॉलिड सिलेंडर को रोल डाउन कराएं तो उसमें से सॉलिड सिलेंडर पहले पहुंचेगा। यहां से रोल कराते हैं तो रिंग का जो मोमेंट, रिंग का जो हमारे पास डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो 0.5 है और इसका 0.66 है। तो ये हमारे पास सर्कुलर डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर इन दोनों के कंपैरिजन में पहले नीचे पहुंचेंगे। ओके, अब देख लेते हैं स्फीयर, तो स्फीयर की वैल्यू आई है हमारे पास बेसिकली 5/7, तो ये आएगा 7 या 40, अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो 5 पॉइंट लगाया 0 एंड 7 या 49, 7 या 49 बल बचा एंड 0 तार लिया तो 7 बन जा 7, तो ये आया 0.71 जी साइन थीटा। तो आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू इन सब में ज्यादा है 0.71। तो अगर मैं ये सारी ऑब्जेक्ट्स सॉलिड स्फीयर के साथ कंपैरिजन करूं तो सबसे पहले जो डाउनवर्ड आएगी ऑब्जेक्ट वो सॉलिड स्फीयर आएगा, और यही बात हम कह रहे थे कि अगर हम एक्सेलरेशन पता लगा लेते हैं तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, तो सबसे ज्यादा चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम सॉलिड सिलेंडर के में आएगा। अब हॉलो स्फीयर का भी देख लेते हैं, ये सॉलिड इसकी स्फीयर की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर कर लीजिए। ओके, तो सॉलिड स्फीयर जो होता है बेसिकली वो हमारा सबसे पहले आएगा, और यहाँ पर है होलो स्फीयर, तो होलो स्फीयर में क्या वैल्यू आएगी ये अगर हम देखें, 5 से पहले पॉइंट लगा दिया एंड इट विल बी 6 टाइम्स ओनली 0.6 ऑफ जी साइन थीटा। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास सबसे पहले बॉडी आएगी सॉलिड स्फीयर, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के लिए ये जो वैल्यू है 0.7 है, सबसे पहले ये वैल्यू आएगी, उसके बाद में हमारे पास 0.66 वाली ये वैल्यू आएगी सर्कुलर डिस्क वाली, यानी कि इन सारी ऑब्जेक्ट्स को रोल कराओगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा सॉलिड स्फीयर डाउनवर्ड, उसके बाद में ये वाली वैल्यू आएगी यानी कि सर्कुलर डिस्क और हम सॉलिड सिलेंडर कह सकते हैं। ओके, ये दोनों सेम टाइम पर आएंगे, उसके बाद में हमारे पास आएगा होलो स्फीयर एंड सबसे लास्ट में रिंग या होलो सिलेंडर हमारे पास डाउनवर्ड आएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द रोलिंग डाउनवर्ड रोलिंग ऑफ दीज सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सिंपल एक फॉर्मूला हमको यूज करना था, जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² / r², उसमें k² / r² का रेशो आप निकाल के पुट करिए तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले हमारा सॉलिड स्फीयर नीचे आता है, उसके अलावा सॉलिड स्फीयर के अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है सर्कुलर डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, तीसरे नंबर पे जो हमारे पास क्वांटिटी आती है, जो ऑब्जेक्ट आती है वो होलो स्फीयर आता है, और चौथे नंबर पे सबसे लास्ट में जो पहुंचेगा हमारा रिंग या होलो सिलेंडर
डाउनवर्ड एक्सेलरेशन करके किसी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे पहुंचेगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। आई होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और कई बार नीट और आईआईटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज्यादा इससे वीडियो देखने के लिए, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से वीडियो समझने के लिए, देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उन्हें भी देखिए। और जो भी डाउट होते हैं प्लीज अपना सजेशन फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।